हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पांच बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन के बारे में जो कि आपको 15,000 के बजट में मिल जाते हैं। आप पांचों में से कोई भी फोन ले सकते हो, पांचों के पांचों फोन बेस्ट है गेमिंग के लिए। तो हम बात करते हैं वीवो की ओर से। वीवो का है वीवो Z1 Pro, जिसमें आपको डिस्प्ले मिलती है 6.53 इंच की, रेजोल्यूशन मिलता है फुल HD में और IPS LCD डिस्प्ले का इसमें यूज किया गया है। इसका जो बैक कैमरा है ट्रिपल है 16+8+2 मेगापिक्सल का, फ्रंट कैमरा है 32 मेगापिक्सल का, प्रोसेसर मिलता है स्नैपड्रैगन का 712 का, बैटरी है 5000 mAh और इसका जो चार्जर है 18 वाट का है, ट्रिपल सिम है और इसका जो स्टार्टिंग प्राइस है 13,909 रुपये है और इसमें आपको पंच और डिस्प्ले भी दी गई है। अब बात करते हैं हमारे MI की ओर से। MI Redmi Note 8 Pro है, इसमें आपको डिस्प्ले मिलती है 6.53 इंच की, फुल HD में ही और IPS LCD डिस्प्ले का इसमें यूज किया गया है। इसका बैक कैमरा की बात करें तो इसका बैक कैमरा क्वाड में है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है और इसका जो प्रोसेसर है वो MediaTek का है G90T, बैटरी है 45 mAh की। ये फोन प्रोसेसर के साथ और भी सभी फीचरों में बढ़िया फोन है। बात करते हैं इसका चार्जर की तो इसमें आपको 18 वाट का चार्जर मिलता है, टाइप्स का सपोर्ट है, ट्रिपल सिम मिलती है और इसका जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 14,999 रुपये। अब आता है हमारा रियलमी की ओर से, रियलमी 6, जिसमें आपको डिस्प्ले मिलती है 6.5 इंच की, फुल HD में है और IPS LCD डिस्प्ले इसमें यूज किया गया है। इसका जो बैक कैमरा है वो क्वाड में है, 64+8+2+2 मेगापिक्सल का, फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल का। इसका जो प्रोसेसर है MediaTek का है G90T, 90Hz इसका रिफ्रेश रेट है। ये फोन भी प्रोसेसर के साथ और भी हर फीचर में बढ़िया है। बात करते हैं इसकी बैटरी की, 43 mAh की बैटरी है, चार्जर है 30 वाट का, इसका जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 13,999 रुपये। अब आता है हमारा MI का, MI Redmi Note 9 Pro, इसमें आपको डिस्प्ले मिलती है 6.67 इंच की, फुल HD में है और IPS LCD डिस्प्ले इसमें यूज किया गया है। इसका जो बैक कैमरा है वो क्वाड में है, फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल का, प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 720G का और बैटरी है 5020 mAh की, चार्जर है 18 वाट का, टाइप्स का सपोर्ट है, प्राइस है 13,999 रुपये। अब आता है हमारा पोको का, पोको F1। ये फोन आपको प्रोसेसर में बड़े दिन को मिलेगा। इसमें प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 845 का और हर फीचर में कम है लेकिन प्रोसेसर में ये जीत जाता है। इसका जो प्रोसेसर है गेमिंग के लिए बढ़िया है। अगर आप सिर्फ गेमिंग के लिए फोन ले रहे हो तो आप इस फोन के साथ जा सकते हो, वरना आप और फोन के साथ जा सकते हो और फीचर इसमें बढ़िया नहीं है। आप लोग बताओ आपको कौन सा फोन पसंद आया पांचों में से।